तो गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार सभी ने। आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो अभी आने वाला है, तो काफी सारे लोग हैं उनके मन में डाउट है कि रक्षाबंधन है कितनी तारीख को, 11 को है या 12 तारीख को है। राखी कौन सी तारीख को बंधेंगे, 11 को बंधेंगे या 12 को, 11 को या 12 को, मतलब कि ये डाउट है। तो मैं अपने वीडियो में ये डाउट को क्लियर करूंगा कि रक्षाबंधन कब की है, भद्राकाल कब से कब तक रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल आवाज मनुद्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो रक्षाबंधन है वो 11 तारीख को है, तो 11 तारीख को भद्रा किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो 11 तारीख को भद्रा सुबह 10:38 से रात को 8:52 तक रहेगा। तो भद्रा में रक्षाबंधन में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि शुभ मुहूर्त कौन सा है। 11 तारीख को दो शुभ मुहूर्त है। 11 तारीख को जो दो शुभ मुहूर्त है उनमें से पहला मुहूर्त है सुबह 6:12 से 7:50 तक, तो ये पहला मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त है उसका टाइम है 8:52 से 9:49 तक। तो जो मैंने आप लोगों को दो शुभ मुहूर्त बताए रक्षाबंधन की, पूरी मुहूर्त में राखी बांधना, भद्राकाल में राखी मत बांधना, टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, तो मजे से रक्षाबंधन मनाओ, मौज मस्ती करो। जय श्री राम।